हेलो दोस्तों, और एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि WhatsApp में चैनल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखना, क्योंकि आज की जो वीडियो में आपको जो तरीका बताने वाला एकदम जेन्युइन होने वाला है, क्योंकि मैं खुद ट्राई किया, ठीक है। मैं फेंकने वाला नहीं हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एंड सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से क्रिएट कर सकती हो एंड किस तरीके से ए वाला जो ऑप्शन है, मतलब कि अपडेट वाला, ए इनेबल कैसे कर सकती हो, ठीक है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये गिने चुने लोगों को ही मिलता है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, ए ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन को इनेबल करना आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर सकती हो, ठीक है। लेकिन आज की जो वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ वो एकदम जेन्युइन होने वाला है। खुद मैंने ट्राई किया, खुद यहाँ पर देख सकती हो चैनल वाला सेक्शन भी आ गया, चैनल वगैरह बना लिया, उसके बाद आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं फेंक नहीं रहा हूँ, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया था, लेकिन सब लोग मतलब कि एक ही बता रहा है, ठीक है, कि मतलब कि कैसे, मतलब कि ये सब जो सब मैंने ट्राई किया, ट्राई करने के बाद भी जो है ए वाला ऑप्शन मेरे को नहीं मिला, जिसकी वजह से दोस्तों जिसके बाद मैं खुद ट्राई किया अलग तरीके से, फिर दोस्तों यहाँ पर जो है चैनल वाला सेक्शन आ गया, सारा कुछ आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। आज की जो वीडियो में दो पॉइंट में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बताने वाला हूँ कि ए वाला ऑप्शन अगर आपको आपके पास आपके व्हाट्सअप में अगर अभी तक इनेबल नहीं हुआ है तो उसे किस तरीके से इनेबल कर सकते हो एंड चैनल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। दो पॉइंट में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। अगर आप भी क्रिएट करना चाहते हो व्हाट्सएप पे चैनल, तो वीडियो को एंड तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो में लाता रहता हूँ। बाकी आपके साथ अगर मतलब कि अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ना डैमेज करके वीडियो को आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो दोस्तों देखो, अब आपको करना क्या है, सिंपल सा दोस्तों, इनेबल करने के लिए आपको करना क्या है, मैं आपको दो पॉइंट में बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि दो पॉइंट में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ कि ए ऑप्शन इनेबल किस तरीके से करना है, ठीक है। तो सिंपल सा दोस्तों, आपको व्हाट्सअप के अंदर आ जाना है, ठीक है। व्हाट्सअप ओपन कर लेना है, फिर यहाँ पर आ जाना है दोस्तों। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, अगर आपके पास अभी तक इनेबल नहीं हुआ है आपके व्हाट्सअप में, यहाँ पर दिखाई देगा स्टेटस वाला सेक्शन, ए वाला जो दिखाई दे रहा ना, ये सब इस लाइन में होगा, ठीक है। यहाँ पर स्टेटस वाला सेक्शन दिखाई देगा यहाँ पे। फिर दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपल सा दोस्तों, अगर किसी का चैनल है, ठीक है, चैनल के लिंक जो है आपको सेंड करवाना है, मतलब कि जो है अपने साइट में उसको बोलना है कि मेरे को तेरे चैनल का लिंक जो है मेरे को सेंड कर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चैनल है, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़े नीचे आ जाते हैं, मैं किस तरीके से इनेबल किया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई फेक विक नहीं रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकती हो। तो मैंने क्या किया था कि यहाँ पर जो है इस बंदे ने जो है मतलब कि यहाँ पर चैनल के लिंक भेजा था, ठीक है। तो आपको सिंपल से करना कुछ नहीं है, अगर किसी को चैनल अगर क्रिएट हुआ है तो उसको कह लेना कि मेरे को लिंक भेजा अपने चैनल का, ठीक है। तो लिंक भेज देना है, वो लिंक भेजेगा आपके व्हाट्सअप में, फिर यहाँ पर आएगा दोस्तों व्यू चैनल, यहाँ पर आप देख सकती हो, मैं आपको डिटेल के साथ बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना। यहाँ पर व्यू चैनल आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर क्या आएगा मैं आपको दिखा, तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। आएगा कि अपडेट, मतलब कि जो है अपडेट आएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही मेन पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर जो फिर से बता देता हूँ, तो जब व्यू चैनल पर क्लिक करोगी यहाँ पर आएगा अपडेट, मतलब कि अपडेट करने के लिए बोलेगा। तो सिंपल से आपको करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद व्हाट्सअप अपडेट कर लेना है, ठीक है। अगर अपडेट नहीं आया है, ठीक है, फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अगर किसी को अगर किसी का चैनल ऑलरेडी क्रिएट को आया, अगर किसी ने चैनल क्रिएट किया है तो उसके लिंक भेजने के लिए बोलना है, ठीक है। जब लिंक भेजेगा व्यू चैनल पर क्लिक कर देना है, व्यू चैनल पर आप जैसे क्लिक करोगी फिर जो है अपडेट करने के लिए बोलेगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यू अपडेट है तो इसलिए अपडेट करने के लिए बोलेगा। प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाकर व्हाट्सअप सर्च कर लेना है, फिर दोस्तों अपडेट कर लेना है, ठीक है। अपडेट आप जैसे ही करोगे दोस्तों फिर भी आपको नहीं मिलेगा, क्यों वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है, कैसे ए तो आधा प्रोसेस है, ठीक है, और बाकी है आगे, ध्यान से सुनो। तो जब अपडेट करोगे, अपडेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर तो अपडेट लिखा आएगा, ठीक है, अपडेट लिखा आएगा एंड नीचे बहुत सारा चैनल आएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे आना है, नीचे दोस्तों ए आएगा, ठीक है। अभी जो ऊपर आ रहा है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकती हो, यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, चैनल को फॉलो किया, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों आपको जब आप अपडेट करोगे उसके बाद जो ए सब दिखाई देगा, ठीक है, एक ही लाइन दिखाई देगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर देख सकती हो फाइंड चैनल, ठीक है, यहाँ से आप चैनल फाइंड भी कर सकती हो, लेकिन इस वीडियो में जो है मैं आपको अब जैसे कि बताया कि किस तरीके से इनेबल कर सकती हो, फर्स्ट पॉइंट में वही बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा, फिर से दिखा तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको दिखाई कि नीचे यहाँ पर फाइंड चैनल का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये सब कुछ नहीं आएगा क्योंकि आप तो ज्वाइन नहीं किया है चैनल, तो ये सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नीचे आएगा यहाँ पर फाइंड चैनल, तो वो करना क्या है, फाइंड चैनल के ऊपर दोस्तों ए वाला जो ऑप्शन है प्लस का, ए आएगा, ठीक है,
अभी तो ऊपर आए लेकिन नीचे आएगा तब, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि फाइंड चैनल लिखा आएगा, उसके ऊपर ए आएगा, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा फाइंड चैनल, क्रिएट चैनल जो है वो अभी तक नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना। फाइंड चैनल दोस्तों यहाँ पर आएगा, फाइंड चैनल क्रिएट चैनल नहीं आएगा। तो सिंपल से फाइंड चैनल पर क्लिक करके किसी भी मतलब कि एक चैनल ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। करने के बाद 10 घंटे या 12 घंटे या 5 घंटे के अंदर ही जो है आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा क्रिएट चैनल वाला ऑप्शन, ठीक है। आपको तभी नहीं मिलेगा, अपडेट तो आप करोगे, ठीक है, अपडेट करोगे, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस होता है, ठीक है। अपडेट होने के बाद भी जो है 5 से 1 घंटा लेता है यहाँ पर चैनल ऑप्शन आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा दोस्तों आपको फाइंड कर लेना है, फाइंड एक चैनल को ज्वाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। करने के बाद दोस्तों क्रिएट चैनल पर एक क्रिएट चैनल का जो ऑप्शन है ये आ जाएगा, अपडेट करने के बाद ये सब आ जाएगा, ये नहीं आएगा, फाइंड चैनल का ऑप्शन आएगा ये नीचे। फिर दोस्तों यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिलेगा, जब आप अपडेट करोगी तो इस तरह से इस लाइन पे आएगा, अपडेट यहाँ पर लिखा आएगा और ये पर फाइंड चैनल आएगा, ए वाला जो है आपको दिखा रहा हूँ फिर से, ए वाला जो है ए नहीं आएगा, ठीक है। क्रिएट चैनल वाला जो है ए नहीं आएगा, ये कब आएगा, 5 से 6 घंटे के बाद आएगा, ठीक है, क्रिएट चैनल वाला ऑप्शन। तो सिंपल से आपको अपडेट करना है, करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्रिएट चैनल वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपको बताते हैं कि किस तरीके से चैनल क्रिएट किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्रिएट चैनल पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आएगा क्रिएट चैनल टू रीच अनलिमिटेड फॉलोअर्स, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कुछ गाइडलाइंस वगैरह लिखा आएगा, तो सिंपल से दोस्तों को कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आएगा चैनल का नाम, चैनल का नाम क्या रखना चाहते हो, सिंपल से यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाने के लिए किस तरीके से चैनल क्रिएट किया जाता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एप के, ठीक है, एप के लिख देता हूँ। एंड कुछ इमोजी वगैरह दे सकती हूँ, यहाँ पर एक इमोजी दे देता हूँ, ए वाला दे देता हूँ। एंड डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ अपने चैनल के बारे में या डिस्क्रिप्शन समझ सकती हूँ, तो जैसे कि यूट्यूब में होता है तो ऐसे यहाँ पर आप दे सकती हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं देता है, जस्ट एक नाम लिख देता है, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है, जो भी लिखना चाहते हो चैनल के बारे में, ठीक है। क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना है एंड प्रोफाइल फोटो लगा लेना है ऊपर, ठीक है। प्रोफाइल फोटो जो है वो भी आपको ऊपर लगा लेना है, ठीक है। जैसे कि प्रोफाइल फोटो कैसे लगाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, लोगों पर क्लिक कर देना है, ए वाला जो है आपको सिंपल से दिखाता हूँ, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे आपको फिर से दिखाते हैं, अब करना क्या है दोस्तों, आपको फिर से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर चैनल क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं एंड अभी मतलब कि जो है फिर से दिखाते हैं आपको कैसे करना है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, चैनल का नाम दे देना है, ठीक है। सॉरी दोस्तों अगेन दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके चैनल का नाम दे देना है, फिर यहाँ पर दोस्तों ए वाला जो ऑप्शन है देख सकती हो, यहाँ पर क्लिक करके चैनल का जो लोगो है वो यहाँ पर सेट कर सकती हो, ठीक है, लोगो लगा सकती हो यहाँ पे। तो कैमरा के ऊपर क्लिक कर देना है, कैमरा के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे गैलरी वगैरह आ जाएगा, गैलरी पर जाके आप कोई भी फोटो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। करने के बाद जैसे कि आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है, यहाँ पर लिख देता हूँ, दोबारा चैनल क्रिएट कर लो दोस्तों आपको दिखाने के लिए, ठीक है। फिर दोस्तों कंटेंट क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना है, तो क्रिएट चैनल के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर चैनल क्रिएट हो गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो चैनल जो है वो क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो 0 फॉलोअर्स, ठीक है, 0 फॉलोअर्स यहाँ पर जो है चैनल क्रिएट हो चुका है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ एंड दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर देख सकते हो पब्लिक चैनल जो है ये पब्लिक रहेगा, ठीक है, ये प्राइवेट पब्लिक मत करना, कुछ भी मत करना। एंड दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखो चैनल क्रिएट जो है चैनल क्रिएट किया है मैं, ठीक है, और एक चैनल है यहाँ पर देख सकते हो, अभी जो चैनल क्रिएट किया है ना मैंने वो थोड़ी देर बाद आएगा, ठीक है, 1-2 मिनट बाद आएगा, अभी नहीं आएगा। यहाँ पर देख सकते हो मैं ऑलरेडी 2 चैनल क्रिएट करके रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जब चैनल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, 1-2 मिनट आ जाएगा, 1-2 मिनट बाद जो है चैनल आ जाएगा, ठीक है। तो जब क्रिएट होगा तो यहाँ पर लिखाएगा दोस्तों चैनल लिंक, आप देख सकते हो चैनल, यहाँ पर देख सकते हो चैनल लिंक एंड फॉलोअर्स वगैरह, एंड यहाँ पे टाइप करके आप कुछ भी अपडेट दे सकती हो, ठीक है, वीडियो वगैरह सेंड कर सकती हो। तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर ऐसा आएगा इनबैड मतलब कि लिंक वगैरह, पब्लिक चैनल शेयर कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकती हो, यहाँ पर क्लिक करके तो एडिट कर सकती हो, ठीक है। यहाँ पर प्रोफाइल फोटो वगैरह, यहाँ पर मतलब कि लोगो वगैरह लगा सकती हो, ठीक है। एंड दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया जब आप क्रिएट करोगे तब यहाँ पर चैनल नहीं आएगा, ठीक है, कुछ देर बाद 1-2 मिनट बाद जो है यहाँ पर चैनल आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिया दोस्तों सब जेन्युइन है, खुद मैंने ट्राई किया, खुद इनेबल किया, उसके बाद ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कोई फेक नहीं रहा हूँ, दूसरे की वीडियो देख के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दूसरे भी मतलब कि टाइम वेस्ट कर दिया मेरे को, तो जिसकी वजह से मैं खुद ट्राई किया आ गया। तो फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी को बोलना, अगर किसी के पास चैनल है तो सिंपल सा चैनल के लिंक भेज देना है, तो चैनल के लिंक व्यू चैनल पर आप जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आएगा अपडेट, ठीक है। सिंपल सा दोस्तों आपको अपडेट कर लेना है, अपडेट करने के बाद यहाँ पर तो अपडेट लिखा आएगा लेकिन यहाँ पर चैनल वाला ऑप्शन नहीं आएगा, जैसे कि आपको नीचे देख सकती हूँ ऐसा आएगा, ठीक है, फाइंड चैनल का ऑप्शन आएगा लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पर आप देख सकती हो
इस जगह में, यहाँ पर इस जगह में जो है आपको सी ऑल कब मिलेगा, लेकिन इस जगह में दोस्तों आपको ए वाला जो ऑप्शन है, ए प्लस वाला ऑप्शन है, ए नीचे मिलेगा आपको, ठीक है, नीचे मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, फिर चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है, एक चैनल को फॉलो करना है। करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो फाइंड चैनल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आने के बाद दोस्तों क्रिएट चैनल नहीं आएगा, जैसे कि मैं आपको बताया 5-6 घंटे के बाद क्रिएट चैनल वाला ऑप्शन आएगा। एंड उसके बाद तो बता दिया चैनल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। तो बाय दोस्तों।